नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक गुजारिश आपसे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बड़ी खबर आ रही है शाहीन बाग से। शाहीन बाग वो जगह जहां लगातार 3 महीने से भी ज्यादा NRCCA के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर प्रदर्शन करती रही। बहुत सारे लोगों ने वहां पर उन्हें उठाने की पहले भी कोशिश की गई, लेकिन वो उठ ही नहीं थी जब तक कोरोना हमारे देश में एंटर नहीं हुआ। जब कोरोना हुआ और तमाम देश भर से विरोध प्रदर्शन खत्म किए गए, उसके साथ साथ शाहीनबाग की महिलाओं से भी उन्हें आग्रह करके उठा दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है ऐसी बीच कि जैसे जैसे लॉकडाउन हटता जा रहा है, वहां की महिलाएं प्रदर्शन करने की फिर से तैयारी कर रही हैं। और आज फिर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होकर उसी जगह पर, उसी स्थल पर पहुंची, लेकिन पुलिस को निर्देश दिए गए थे, सभी इलाके के DCP को पहले से ही निर्देश दिए हुए थे होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, कि किसी भी तरह की कोई भी गैदरिंग ना हो पाए और कोई भी प्रदर्शन रोड पर ना हो पाए। हालांकि अमेरिका में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं सिर्फ एक शख्स की मौत की वजह से, लेकिन भारत में किसी भी तरह की प्रदर्शन करने की अनुमति फिलहाल सरकार नहीं दे रही है और ना ही देगी जब तक कि कोरोना से पूरी तरह निजात नहीं पा लेती। हालांकि इसमें बहुत सारे राजनीतिक पहलू हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ये क्यों हुआ आज, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि बहुत सारी महिलाएं क्यों वहां पर फिर से NRCCA के विरोध में उतरने गई थी और क्यों वो प्रदर्शन आज फिर करने जा रही थी। तो आज दोपहर जैसे ही ये महिलाएं वहां पर पहुंची NRCCA के विरोध में फिर से प्रदर्शन करने के लिए, बहुत सारी महिलाएं इकट्ठे होकर गई थी, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी पहले से वहां मौजूद थे उस स्थल पर शाहीन बाग में, और उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया गया। तमाम बड़े न्यूज चैनल की आज ये हेडलाइंस बनने वाली, फिर से डिबेट बनने वाली है कि महिलाओं को कौन भेजेगा। इस पर फिर से राजनीति गरमाएगी, क्योंकि JNU और DU के छात्रों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन में पूरा एक्शन दिखाया है और दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर तमाम गिरफ्तारी और इन्हीं CNRC से जोड़कर गिरफ्तारी चल रही है। साथ ही ताहिर हुसैन, जो चांदबाग का इलाके का निगम पार्षद था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और उसे मास्टरमाइंड, और एक और शख्स फैजल को, दोनों को मास्टरमाइंड बता दिया गया था। छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में कल कुछ लोगों ने कैंपेन भी चलाया ट्विटर पर, जिसको नाम दिया गया था सब कुछ याद रखा जाएगा। और CNRC के विरोध में आज फिर महिलाएं वहां पर पहुंची है। अब देखना है कि लॉकडाउन के हटते ही महिलाएं फिर से प्रदर्शन करेंगी या सरकार करने देगी या नहीं करने देगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब सरकार NRCCA के खिलाफ सड़कों पर लोगों को उतरने देगी। वो अलग बात है अमेरिका जैसे देश में एक शख्स की मौत पर तमाम इतना बवाल मचा हो और वहां पर प्रशासन पूरा हिल गया हो, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस कस्टडी में पिछले 2 महीने में लॉकडाउन के चलते 15 से भी ज्यादा मौत हो चुकी, किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई है। तो फिलहाल हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा हो गया है कि कोई किसी की मौत पर बोल नहीं रहा है। एक और खबर करेंगे हम थोड़ी देर बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनों में कितने लोगों की मौत हुई और कितने दिन तक उनकी लाश वहीं सड़ती रही। लेकिन फिलहाल शाहीन बाग को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और आप बताएं कि आपको लगता है कि क्या इस बार सरकार प्रदर्शन करने देगी सड़कों पर, या दिल्ली को पूरी तरह से सील करके रखेगी, लोगों को एक तरह से वहीं पर जाम करके रखेगी। आप लोग बता सकते हैं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं।